गुस्से में ताला तोड़ दिया है, ताला तोड़ रहे हैं ये लोग। ये देखिए गुस्से में लोगों ने ताला तोड़ दिया है। जनता का आक्रोश है जो आपको देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं दीपक ब्रिजलाल, आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। हमारे पास सूचना मिली थी कि आई ब्लॉक और आई टू ब्लॉक में पानी की बहुत बुरी समस्या है, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है लोगों को, टैंकर से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इनके जो ट्यूबवेल है, जो बोरिंग, जो बोर चलते हैं, वो बोर भी काम नहीं कर रहे हैं या उनको बंद कर रखा है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। तो हम लोग इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि समस्या क्या है। आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, क्यों भीड़ लगाई हुई है? देखिए, ये आपको जो भी जन आक्रोश दिखाई दे रहा है ना, ये सब पानी के लिए परेशान है, पानी के लिए तड़प रहे हैं। ये देखिए, ये बोर है, एक साल पहले बोर हुआ था, ये बोर कामयाब नहीं हुआ। इसको यहाँ के निगम पार्षद के बेटे ने, जो कि रवि यादव है, उन्होंने इसे रिबोर का हवाला देके इस मैटर को ठंडा कर दिया। इसके अंदर पाइप पड़ी हुई थी, मोटरें पड़ी हुई थी, वो सब निकाल के ले गए। तो अभी आप लोगों को पानी कहाँ से मिल रहा है, इतने सारे लोगों को पानी कहाँ से मिल रहा है? प्राइवेट वाले हैं, उन्हें 600 रुपए दे के पानी भरवा रहे हैं, एक बार मिलता महीने में। इसका मीटर बॉक्स वहाँ लगा हुआ है, उस मीटर बॉक्स की जो लाइट है वो पीछे वाली गली में लाइट सप्लाई हो रही है, उसके हिसाब से ये बोर चालू दिखाया जा रहा है। आप बताएं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? हथौड़ा आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं? ये बोर सरकार के नजर में चल नहीं रहा, हमारे नजर में भी नहीं चल रहा, इसका पाइप भी निकाल ले गए, पानी के लिए हम परेशान है। ये मीटर लगी है, ये दूसरा बोर चल रहा, बिल हम मर रहे, हम इसका ताला तोड़ेंगे अभी इसी वक्त, ये चलनी नहीं चाहिए मीटर। देखा आपने, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में कितना रोष है इस बोरिंग को लेके, इस बोर को लेके, जहाँ से इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। इतनी बुरी स्थिति है कि हम लोग पूरा दिन रमजान से हैं, मुंह धोने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, और जिसके जाते हैं जहाँ पर, वहाँ पे भी लाइन लगाना पड़ता है। उधर का बोर चालू करवा दिया और इधर का बोर चालू नहीं करवाया इन्होंने। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और पानी के लिए यहाँ लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ के लोग जो है प्राइवेट पानी लेते हैं, और पानी वो भी 1200 रुपये महीने पे, वो भी मिल गया महीने में तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आप लोग बताएं क्या समस्या है आप लोगों की? 20-20 दिन पे, एक एक महीना पे पानी आता, 1200 रुपये पानी तो मिलता है। पानी लड़ाई लड़ो, पानी नहीं है घर में, डेढ़ महीने में एक दिन पानी देता है, 1200 रुपए में पानी पी रहे। अब बताओ गरीब आदमी कैसे जिंदगी करेगा, अपने बच्चों कैसे पढ़ाएगा, कैसे पालेगा, कैसे कैसे काम चलाएगा? ये यहाँ पर पानी सप्लाई करते हैं, पूछे इन्हीं से पूछते हैं कि क्या समस्या है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? नहीं तो ये बोर चल रहा है, जो ये जिस बोर की बात ये लोग कर रहे हैं, ये बोर चालू दे रखे सर, ये बोर उस वाले वो बोर चल रहा है इस मीटर से सर। ये बोर क्यों नहीं चल रहा है? जेब लोग का बोर चल रहा है, इसमें से पाइप मोटर सब निकाल लिए सर, पैसा कमा रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं। इसकी पाइप भी निकालेगा, इसका ताला तोड़ेंगे, ये बोर नहीं चलने देंगे, यहाँ का मीटर बदल देंगे, ये मीटर का ताला नहीं चलेगा। जनता यहाँ बहुत विरोध में है, बहुत गुस्से में है, जो समस्या इनकी है पानी को लेकर। पहले तो मैं आपके पूरे सामाजिक संवाद टीम को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग हमारी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अगर ये बोर चालू नहीं हुआ तो अगली ये भीड़ या तो विधायक के आवास पे होगी या विधायक के ऑफिस खानपुर पे होगी। ये बोर हमें एक हफ्ते में चालू चाहिए, हम पानी के लिए तड़प रहे हैं। इस बोर में पानी एक दिन में नहीं आया है, खाली मीटर चल रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है हम सबको, पानी की 16-17 दिन में पानी आता है, और 800 रुपए कर दिया उन्होंने पानी वाले ने, तो बताओ कहां से। इसकी रीडिंग देखिए, इसकी रीडिंग आ रही है, सरकार पैसे भी दे रही है इसके, और प्लस में जो यहां पे इसकी रीडिंग आ रही है ना, वो सारे हमारी ब्लॉक की रीडिंग आ रही है। सरकार की नजर में, दिल्ली की नजर, दिल्ली जल बोर्ड की नजर में ये मीटर चालू है और ये बोर भी चालू है, लेकिन यहाँ पे चालू नहीं है। इन जल माफियाओं ने इतना आतंक मचा रखा है ना, अपनी जेब भर रहे, जनता को मरने पे छोड़ दिया है। ये देखिए, इन लोगों ने गुस्से में ताला तोड़ दिया है, ताला तोड़ रहे हैं ये लोग। ये देखिए गुस्से में लोगों ने ताला तोड़ दिया है। जनता का आक्रोश है जो आपको देखने को मिल रहा है। जनता अपनी, जब अपनी पे आ जाती है तो कुछ भी कर सकती है, जनता का आक्रोश है। देखिए इन्होंने यहाँ पे ये इसका स्विच गिरा दिया है, बोर बंद कर दिया है, आगे का जो बोर चलता था, जो ये लोग बोल रहे थे कि बोर चल रहा है, जहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए रोड पे, वहाँ तो पानी भरपूर है, ठीक है, वहाँ पे पानी भरपूर है, और जहाँ पानी होना चाहिए
जहाँ पानी होना चाहिए ना वहाँ पानी है ही नहीं। लोग तरस रहे हैं, 1000-1200 रुपए दे रहे हैं, उसके बाद भी क्या 15-20 दिन में ना बड़ी मुश्किल से पानी आता है। हमारे बोर का पाइप तक निकल गया है, हम प्यासे मर रहे हैं, हम एक एक महीना नहाते नहीं है, हमारा 2-2 महीना कपड़े नहीं धुलते, मैं चलने नहीं दूंगी दूसरे का बोर। सुन लो,